देश में कोरोना का कोहराम कहर बरपा रहा है। रोजाना सर्वाधिक मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। संक्रमण के साथ साथ अब मौत के रिकॉर्डों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना महामारी ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। देश में कोरोना के 217,353 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 118,302 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 1,185 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,42,91,917 मामले आए, जिनमें से 1,25,47,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में 15,69,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 1,74,308 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में मौतों का ये आंकड़ा 3 अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। 3 अक्टूबर 2020 में देश में 1,069 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 9 दिनों से लगातार मामले 1 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन 9 दिनों में 13,88,515 नए मरीज बढ़े हैं। इस तरह कोरोना के मामलों में लगातार 36 दिन से वृद्धि देखी जा रही है। इसी के चलते सक्रिय मामलों की संख्या 14,71,877 हो गई है। ये संक्रमण के कुल मामलों का 10.46% है। नए हालात में ठीक होने की दर घटकर 88.31% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 12 फरवरी को 1,35,926 और 18 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 10,17,754 थी। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,24,29,364 हो गई है। मृत्यु दर 1.23% हो गया है। देश में 7 अगस्त को कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हुई थी। वहीं 50 लाख की संख्या 5 सितंबर और 1 करोड़ की संख्या 19 दिसंबर को पार हुई थी। ICMR के अनुसार 14 अप्रैल तक देश में 26,20,03,415 नमूनों की जांच हो चुकी है। अकेले बुधवार को 13,81,559 नमूनों की जांच की गई थी, जिन 1,182 लोगों की कोरोना से जान गई है। उनमें से सबसे ज्यादा 349 लोग महाराष्ट्र के थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112, गुजरात में 81, उत्तर प्रदेश में 104, पंजाब में 63, मध्य प्रदेश में 53, कर्नाटक में 66 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है वे गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। तरुण कलरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।